वो अकेले तो नहीं है, हम लोग तो डेवन से कह रहे हैं। गहराई में कौन जाएगा साहब, टिम्बकटू से तो कोई आएगा नहीं ना। यहीं की व्यवस्थाएं, यहीं की एजेंसी को करना है ना। इस बिल्डिंग को आनन फानन में आपने तैयार किया बिना कई गंभीर मसलों को ध्यान में रखे हुए। हमें वो दिन भी स्मरण है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, गुजरात से वुमेन आई थी, मोदी मोदी हो रहा था, तब भी हमने आगाह किया था संसद को इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कल को कोई मुर्दाबाद भी कह सकता है, वहां से कुछ फेंक सकता है, हो गया ना। तो मैं समझता हूं ना कि सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। आपको विपक्ष के सांसद कुछ मौलिक सवाल पूछते हैं उससे भी परहेज है, ऐसे लोकतंत्र की का स्वास्थ्य थोड़े ही रुग्ण हुआ है। सर जिस तरह से आप लोग और इन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के राहुल गांधी भी वही सवाल खड़े करें कि ये घटना के तह में जाइए तो यही सारे नहीं। उन देखिए राहुल जी के बयान को बहुत तोर मरोड़ के पेश किया जा रहा। एक हकीकत है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। एक एमपी फलाना पार्टी के हैं जिनके सहमति से पास बनाया गया। दूसरी घटना है कि देश में बेरोजगारी है 5 दशकों में सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा हाइफन है। ये हाइफन राहुल जी ने भी रखा, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में और बीजेपी द्वारा इस हाइफन को हटाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। सर शरद पवार ने कहा है कि सत्ता में जो लोग बने हैं वो बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन कल को सत्ता में नहीं होंगे। देखिए ये रथ का पहिया है साहब, हमने बहुत चीजें देखी हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी दल बड़ा दल हुआ करता था। हमने वो दौर भी देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बड़ा दल। हमने वो दौर भी देखा है कि ये दो पे थे, दो दिन के दो, एक दो आज आए। तो ये लेकिन पहिया है ना, जैसे कहते हैं ना राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, तो राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये गुरूर हो जाता है, जैसे कहते हैं ना वो विज्ञापन है हीरा सदा के लिए, तो इनको लगता है सत्ता सदा के लिए। ना साहब, फर्श से अर्श पे लोग जाते हैं और अर्श से फर्श पे चले जाते हैं। जो सोचते हैं कि हम इतिहास बना रहे हैं उनको इतिहास का फुटनोट भी नसीब नहीं होता। लोकसभा की वो पत्र, उन्होंने एक तरह से ईमानदारी से कहूं कि उस पत्र में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक तरह से कवर अप का प्रयास दिखती है। बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति पर पर्दा बना रहे कि गृह मंत्री जी से सवाल ना पूछे जाए, तो वो पूरे पत्र का आप एक एक लाइन देखिए उसी दिशा में इशारा करता है। तो एक आखिरी सवाल, महिलाओं के साथ अत्याचार राजस्थान से लेकर कर्नाटक हर जगह हो रहा है, इसको नहीं मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक। कल भी मैंने एक बात कही थी किसी संदर्भ में कि बड़ा आसान है कि मैं बीजेपी के विपक्ष की एक पार्टी का हूं कह दूं कि सरकारी फेलियर, समाज भी बीमार हो रहा है। समाज को भी अपने अंतर्मन में झांकना होगा, क्यों ऐसा हो गया कि 3 बरस के बच्ची के साथ रेप होता है। ये बीमारी का द्योतक है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, यहां से ऑर्डर खत्म हो गया। इस पर भी मैं समझता हूं कि सामूहिक चिंता दलों को, सिविल सोसाइटी को, नागरिक समाज मेरा मतलब है, और समुदायों को, सबको बैठ करके सोचना होगा।